जय हिंद, वेलकम यू ऑल। मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं विवेक इन्फोटेनमेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस डिबेट की जो देश के यूथ के बीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। देश के अंदर एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो ये मानता है कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह की फांसी रुकवाने की कोशिश तक नहीं करी थी। उनका कहना है कि गांधी जी ऐसा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके अलावा जिन लोगों को हिस्ट्री की समझ है, वो इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए अवध ओझा सर, जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स को हिस्ट्री पढ़ाते हैं। नहीं, वो भगत सिंह को गांधी जी की वजह से लटकाया गया, ना मारेंगे ना। भगत सिंह को गांधी जी की वजह से लटकाया गया, प्रोटेस्ट किया, लेटर लिखा, अरविंद गांधी जी कोई नहीं बचा सकता था भगत सिंह को। आई नो द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन एंड ट्रूथ। आई रिगार्ड माई सेल्फ एज ए सोल्जर, सो ए सोल्जर ऑफ पीस। तो दोस्तों, क्या है पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। तो दोस्तों, बात शुरू होती है 1919 में, जब महात्मा गांधी जी इंट्रोड्यूस करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। लेकिन जैसे ही लोगों को लगने लगता है कि अब आज़ादी ज़्यादा दूर नहीं है, तभी 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया जाता है चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से। In retaliation against brutality, a crowd had attacked a police post at Chauri Chaura. Hearing of this instance of violence, Gandhi immediately called a halt to the movement. और इसी वजह से कुछ रिवॉल्यूशनरीज ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाया, जिसे नाम दिया गया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे बाद में 1928 में नया नाम दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका लिंक आपको आगे वीडियो में समझ में आएगा। भगत सिंह के बारे में जानने से पहले हम बैकग्राउंड जान लेते हैं कि आखिर ये कहानी कहाँ से शुरू हुई। Bhagat Singh returned to Lahore. He was one of the founders of the Naujawan Bharat Sabha. It stood for socialism and direct action against foreign rule. दोस्तों, शुरुआत होती है 1928 में, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट साइमन कमीशन को इंट्रोड्यूस करती है इंडिया के अंदर। साइमन कमीशन के इंट्रोड्यूस होते ही कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसे पूरी तरह से बॉयकॉट कर देती हैं। पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट होने लगते हैं, नारे लगने लगते हैं साइमन गो बैक के नाम से। और जब ये जॉन साइमन लाहौर विजिट करता है, तब इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करे जाते हैं लाला लाजपत राय की लीडरशिप में। वैसे तो ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, लेकिन जब पुलिस इस प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश करती है, तब ये प्रोटेस्ट वायलेंट रूप ले लेता है। लाहौर का SP जेम्स स्कॉट पुलिस को लाठी चार्ज का ऑर्डर देता है, जिसमें लाला लाजपत राय इंजर्ड हो जाते हैं, और उन्हीं इंजरीज के चलते 17 नवंबर 1928 को वो शहीद हो जाते हैं। लाला लाजपत राय की डेथ के बाद भगत सिंह अपने रिवॉल्यूशनरी साथियों के साथ मिलकर प्लान बनाते हैं स्कॉट को मारने का, जिसने पुलिस को लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया था। भगत सिंह के इस प्लान में उनके अलावा शिवराम राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल थे। लेकिन इस प्लान में उनसे एक गलती हो जाती है आइडेंटिफिकेशन की, जिसकी वजह से भगत सिंह और उनके साथी जॉन सॉन्डर्स को मार देते हैं, जो कि ASP था। सॉन्डर्स को शूट करने के बाद हेड कांस्टेबल चनन सिंह उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, और पकड़े जाने के डर से चंद्रशेखर आज़ाद हेड कांस्टेबल चनन सिंह को भी गोली मार देते हैं। इस इंसिडेंट के बाद भगत सिंह और राजगुरु 2 दिन बिताते हैं भगवती चरण वोहरा के घर पर, जो कि एक हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर थे। इसके बाद वेस्टर्न अटायर में भगत सिंह वहाँ से कोलकाता चले जाते हैं। ये जो इमेज है, ये उसी इंसिडेंट की इमेज है। इस इंसिडेंट के बाद बात आती है दिल्ली असेंबली बॉम्बिंग केस की, जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली दिल्ली में बॉम्ब गिरा देते हैं। दिल्ली असेंबली बॉम्बिंग केस का इंटेंशन किसी को मारना या चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि एक तरीका था प्रोटेस्ट करने का पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट के अगेंस्ट। बॉम्ब गिराने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहां से भागते नहीं है और नारे लगाने लगते हैं इनकलाब जिंदाबाद का। बॉम्ब गिराने का रीज़न ये भी था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट बहरी हो गई थी, उस तक लोगों की परेशानियां पहुंचाई जाएं, उनके कान खोले जाएं एक धमाके से। ये एक तरीका भी था देश की जनता को जगाने का। और फिर असेंबली में बॉम्ब गिराने की वजह से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई जाती है, यानी कि 14 साल जेल। इसके लगभग एक महीने पहले 15 अप्रैल 1929 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बॉम्ब फैक्ट्री को भी जब्त कर लिया जाता है, और कुछ HSRA मेंबर्स को भी अरेस्ट किया जाता है। सॉन्डर्स मर्डर केस के एविडेंस के बेसिस पर भगत सिंह को रीअरेस्ट किया जाता है और दिल्ली जेल से उन्हें सेंट्रल जेल मियांवाली में ट्रांसफर कर दिया जाता है।
Soon after the conviction of Dutt and Bhagat Singh, evidence was found in connection with the killing of Saunders and bomb depots were unearthed. Shiv Verma, Jaydev Kapoor, Rajguru, Jatin Das, Gaya Prasad, Kishori Lal and other revolutionaries were arrested. सेंट्रल जेल में उनको एक डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है यूरोपियन प्रिजनर्स के कंपैरिजन में, और सेंट्रल जेल में उनको एक मामूली प्रिजनर की तरह ट्रीट करा जा रहा था, जबकि वो एक पॉलिटिकल प्रिजनर थे। उनकी डिमांड थी कि उनको एक पॉलिटिकल प्रिजनर की तरह ट्रीट किया जाए, जिसमें इक्वल फूड स्टैंडर्ड्स, क्लॉथिंग, हाइजीनिक नेसेसिटीज़ शामिल थी। और इन्हीं डिमांड्स को लेकर भगत सिंह और जतिन दास हंगर स्ट्राइक करते हैं ताकि इंडियन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को उनके राइट्स मिल सकें। 63 डेज की हंगर स्ट्राइक के बाद जतिन दास की डेथ हो जाती है। जतिन दास, a victim of police brutality, refused to break his fast, and on the 63rd day of his fast, he died, a martyr in the cause of freedom. Subhash Bose arranged for his body to be taken to Calcutta, where 500,000 people attended his funeral. लेकिन भगत सिंह अपनी हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू रखते हैं। 116 दिन की हंगर स्ट्राइक के बाद भगत सिंह इस स्ट्राइक को रोक देते हैं। ये उस समय की सबसे लंबी चलने वाली हंगर स्ट्राइक थी। हंगर स्ट्राइक की वजह से बहुत बड़ी संख्या में लोग भगत सिंह के सपोर्ट में खड़े हो रहे थे। भगत सिंह और जतिन दास के अलावा 13 और रिवोल्यूशनरीज भी हंगर स्ट्राइक करते हैं, जिन्हें काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में अरेस्ट किया गया था एक ट्रेन रॉबरी को अंजाम देने की वजह से 1925 में। और फिर आता है 7 अक्टूबर का वो दिन, जब सॉन्डर्स मर्डर केस की भी जजमेंट आ जाती है, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है जीएस हिल्टन के द्वारा। अब बात आती है कि गांधी जी ने कितनी कोशिश करी थी भगत सिंह को बचाने की। भगत सिंह के डेथ सेंटेंस के बारे में गांधी जी का कहना था कि जिन लोगों को भी डेथ सेंटेंस दिया गया है उनको फांसी नहीं होनी चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि मेरा धर्म ये कहता है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि उनको जेल में भी नहीं होना चाहिए। भगत सिंह को बचाने के लिए गांधी जी ने 18 फरवरी को ये बात रखी थी लॉर्ड इरविन के सामने, जब गांधी इरविन टॉक शुरू हुई थी। एक बात और दोस्तों, गांधी जी ने कभी भी भगत सिंह के इशू को एज अ प्री कंडीशन नहीं रखा था गांधी इरविन टॉक्स के दौरान, क्योंकि उनके लिए नेशन सबसे ऊपर था। 18 फरवरी को महात्मा गांधी बड़ी ही समझदारी से इरविन को समझाते हैं कि भगत सिंह की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती है कि चीज़ें उनके फेवर में जाएं, तो इसके लिए उन्हें भगत सिंह की फांसी को सस्पेंड करवाना होगा। इस समय तक महात्मा गांधी की कोशिश थी कि कैसे भी करके फांसी को पोस्टपोन करवा दिया जाए, ताकि और समय मिल सके फांसी को कैंसिल करवाने के लिए। महात्मा गांधी आसफ अली को लाहौर भेजते हैं भगत सिंह से मिलने के लिए, और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वायलेंस को छोड़ दो ताकि फांसी को रुकवाने के चांसेस बढ़ सकें। 17 मार्च 1931 को भगत सिंह की फांसी को रुकवाने के लिए सुभाष चंद्र बोस भी एक बहुत बड़े क्राउड को एड्रेस करते हैं। इसके अलावा भगत सिंह के लॉयर प्रनाथ मेहता रिक्वेस्ट करते हैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव से कि एक माफ़ी मांगते हुए पेटिशन लिख दो। प्रनाथ मेहता कहते हैं कि अपने बारे में ना सोचते हुए देश के बारे में सोचो और माफ़ी मांग लो। और फिर भगत सिंह एक पेटिशन लिखते हैं, लेकिन वो कोई मर्सी पेटिशन नहीं थी। भगत सिंह ने उस पेटिशन में कोई माफ़ी नहीं मांगी थी। भगत सिंह उस पेटिशन में लिखते हैं कि उनके साथी जतिन दास और भगवती चरण बोरा अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर चुके हैं, और अब उनकी बारी है नेशन के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने की। इसके बाद भगत सिंह लिखते हैं कि उनको फांसी ना दी जाए, बल्कि उन्हें गोली मार दी जाए। महात्मा गांधी एक और बार इरविन से मिलते हैं ताकि भगत सिंह की फांसी रोकी जा सके, और इस बार भी गांधी जी फेल हो जाते हैं। इरविन का कहना था कि उसके पास कोई भी लीगल ग्राउंड्स नहीं है जिससे ये फांसी रुकवाई जा सके। फांसी को रुकवाने के लिए गांधी जी होम सेक्रेटरी हर्बर्ट इमर्सन से भी बात करते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं। 21 मार्च को गांधी जी फिर से इरविन से मिलते हैं और पूरी कोशिश करते हैं फांसी रुकवाने की, और फिर 22 मार्च को फिर से इरविन से मिलते हैं ताकि कुछ भी करके फांसी रोकी जा सके। और फिर 23 मार्च की सुबह भी गांधी जी एक आखिरी कोशिश करते हैं फांसी को रोकने की, और एक लेटर लिखते हैं इरविन को, और इस बार भी गांधी जी फेल हो जाते हैं। और 23 मार्च की शाम को 7:30 बजे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी जाती। तो दोस्तों, ये कहना तो गलत होगा कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह की फांसी रुकवाने की कोशिश नहीं करी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा।